بسم الله गल कह अखिए
को वफद चंद बंदे लालो 12-15 भी बंदे इकट्ठे होके मौला रजा दी बारगाह च पहुंचे। इत्तफाक की गल है मौला रजा आप मौजूद कोई नहीं, मेरे मौला दा एक खास गुलाम जिंदा नाम मारूफ कर जनाबे मारूफ करके पूछया किवें आए हो इन्हां दी ताकत की नहीं तैनू की दसीए काम बड़ा वड्डा है मौला रजा नू मिलना है मारूफ आखा के मैनू दस दे हो सकदा मैं ही कर दिया तू हो ही नहीं सकता काम काम बहुत बड़ा है बड़ा बड़ा काम है मारूफा क्या काम ते दसो दे क्या दिन दरिया ने मुर्दा मारूफा दिन बस एक किड़ा तू मोड़ ले से तेरे वास्ते काम ही कोई नहीं मारूफ करके मुस्कुरा के आ कम मुश्किल नहीं मामूली क्यों कर दे फिक्र ज्यादा जेड़ा चीफ मिनिस्टर पानी दाहे नौकर नजफ दे जिसकी रज़ा ही खुदा की
सलामत रहा वो मौला रजा है, वो जिसकी रजा ही खुदा की रजा है, वो मौला रजा। अच्छा बार बार ऐसी रेपिटेशन में रदीफ है बाबा जी, वो मौला रजा है वेखना के किड़ा खूबसूरत वो मौला, वो मौला रजा है। जो इन्होंने फिर मोड़ दरिया गल मेरी याद करी जिन्ना बेमारूद रुका लिखिया बली दी नगरी च पड़ता रुका लिखिया मारूफ करके सारे पग बनते हैं उन मौला रजा की जुती होती है। कोई बंदा साबित नहीं करता कि मारूफ जो नमाज पढ़ते हैं वो जुती इस पग लहा तो पढ़ाकीदे ने मन रुका लिखने दरिया हट के बड़ा काम आंदा जनाबे मौला रजा मुस्कुरा के मारूफ बड़े मोजे दिखाऊंगा बंदे इकट्ठे हो क्या क्या लगे मारूफ एक कंट्रोल एक दरिया दरिया मोड़ देता है कोई मामूली काम नहीं एक कंट्रोल एक दरिया ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਸਲਵਾਤ ਪੜ ਦੋ ਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਇੱਕ ਦਫਾ ਬਸ ਇੱਕ ਦਫਾ ਇੱਕ ਸਾਰੇ ਪੜੋ ਖਪਲਾ ਸਲਵਾਤ ਕੇ ਹੁੰਦਾ ਦੋ ਬੰਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜੀ ਸਾਰੇ ਪੜੋ ਸਵਾਬ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਉਹ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਯਾਦ ਹੈ ਉਹ ਮੌਲਾ ਰਜ਼ਾ ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਿਆ ਮਾਰੂ ਫਿਕਰ ਕਿਆ ਕਰਮ ਹੈ ਅਲੀ सिर्फ मोती आने चाहिए चंद मोती तारा की शक्ल
इस शेर की थोड़ी सी तौजी एंड पे ये याद करती वो मौला रजा एक शिकारी हरनी दा शिकार करके निशापुर बाजार जदा कुनो जेरे बोल मौला रजा बादशाह दे जवार में निशापुर बाजार जदा कुनो हरनी पहले तो चुप करके टोल दिए अच्छा इत्तेफाक की गल है किससे बाजार अल्लाह दी अठवीं हुज्जत मौला रजा आप मौजूद है इससे बाजार हरनी पहले तो चुप करके लगी आई अचानक नजर पई ये बात मौला रजा तो नजर पई है कदम रुक गए हरनी दे वो खींच रहे हैं वो तोड़ती नहीं बल्कि अपनी जुबान चाहती है मेरा दामन बन जा लेकिन ये नहीं जानते भेद कौन भी है आखिर बंदियां दा इशारा हरनी नूं छोड़ दिता हरनी लगी गई इंतजार शुरू उन्नू सूरज वरू होण दे करी बंदियां गल्लां शुरू कीतियां ओ बाबा कदी जानवर दे बल्ले केड़ी शायद इंतजार कदी जानवर दे बल्ले मौला रजा मुस्कुरा के फरमाया पीछे देखो इन्हें पीछा मुड़ के दिखा उस साइड हरनी नूं एक शेर शेर के ले आया ते शेर अपनी जुबान च अदर त्रिखी तौर मौला इंतजार पे कर गया अजे भी ना जानवरों के वादा वफाई मैं परेशान क्या क्या जानवरों के वादा वफाई शर्म नहीं आती औरत मर्द आ गई इन्हों जला शिकारी जानवरों के बाद बंदे जिथे ना बोलना खुश होना चलो तवज्जो नाल सुन सुन
ईमान नाराए कि अच्छा काम है करो लिबास भी उसका लिबास भी आप तैयार करना अल्हम्दुलिल्लाह ये तोड़े नाजी इस नौकर ने ये निजाम चलाया बिस्मिल्लाह ते होने जरा भी कर सकते हैं मेरा पास क्योंकि मैं कर कर ये बस ये बात समझी मेरे तकलम some
मुजाहिद मेरा हर किसी हक नहीं बनता मैं आखा मैं हमें मुसले पे देखते हैं नहीं मैं मेंबर से जितनी दफा कूड़ मारे मैं पकड़िया गया बंद समझ नहीं आ गया किसी ना किसी मुसीबत बंदा फस जाता है क्योंकि कब्र हुसैन है हाँ हाँ मेंबर दे कब्र हुसैन तो जनाब बीबी कबर है सवाल शुरू बीबी मुस्कुरा रहे जवाब नहीं दे रहे हैरान हो क्या क्या बीबी सवाल कर रहे हैं जवाब नहीं दे रहे एक पास बीबी है जदीद बीबी हुई देख क्या देख बीबी इस पास से देते हो इस पास से आमना है साड़ी का गला का जवाब नहीं दे रहे इस पास से देते हो किसे आमना है जेड़ा जेड़ा बेटा बेटा जवाब आ गया बीबी फरमाए मेरी मदद कीते मेरी बीबी फरमेंदर मक्का में नाम समझो मेरी झोली जिन्ना दिल Yeah.
सिर्फ दो बगैर ऐसे समझी ताजा ताजा ईद गुजार के लोग ईदा करते रहे रुकैया दे पुत्र काका बहुत बड़ी शहादत है पहले तो खत लिखे है कूफे से बैठ के मौला मैं वस्तियां हूं बेशक भैणा लैके सीधा कूफे आया मेरा थोड़े तो सवाल है आखिर पढ़िया के कोई मुस्लिम दोबारा खत लिखता है मौला कूफे ना तेरे नाल अमन दिया पलियां कोई ऐसा मजमून नहीं कोई ऐसा लग नहीं ऐसा सिर्फ दौराना आता बाकी हर मौला का मदा काम एक अपना अंदाज ऐसा वक्त मुस्लिम पे आ गया कि जोड़ी नु नाल लेके पर साबर शाह ने दो गल्ला याद आ गई बाद में बात कर सुल्तान जाकरी बाबा साहब ने उन्होंने मौसम सुने लफ्ज और पढ़ दिए कि जोड़ी नु नाल लेके कढ़ाई उस दरवाजे की तारीख जैसे भी एक साल आज शुरू है दरवाजे पे तकल बाप काजी आप दरवाजे पे मुसलम हाँ वो रुलिया हो सही है काजी वक्त याद कर मैं तेरे हाथ के ची दुआ की थी है एक वक्त आसी तू कूफे का गवर्नर हो सी आज मेरे पे औखी बन गई है तू गवर्नर तू मालिक के तू भर सकता है कर सकता है काजी आजा मैं तेरे पनाह तो नहीं दे सकता जालिम हुक्मरान ने मैं सच के होया जनाबे मुस्लिम रो के आदमी मजलूमियत देख ली जनाबे मुस्लिम रो के आदमी पनाह नहीं मांगा इतनी मेहरबानी कर मेरी जोड़ी को दरवाजे के नाल खड़ी कर मैंने गली का मोड़ मोड़ सा पिछे छोड़ दे मैं अपनी अखी नाल का पोतो मरी देना वेखा नाम मंजूर बाबे दी बेवसी देखी तू है शहजादा उस वड्डा शहजादा बाबा दे हाथ च हाथ पा गया बाबा छोड़ ना कर छोड़ इस नु बाबा इक्का गली च रल के टुरदे आ जे था दो गलियां आ विच एक च तू लगा वने एक च बस 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 इतना ही पढ़ना ही नौकरी जरूरी है हाजिरी जरूरी है बादशाह दो मकतूला मरण होया एक मुस्लिम पुत्र अकील दा वकील बतूल दे बचड़ेगा जड़ा टोर कूफे दो पिया बोदे रबास फणे जिया दे रुखसार चुमेगा
सदके माशाल्लाह मौला आपका यह क्रिया कबूल फरमाए। हजरात तशरीफ रखें। अब आपके सामने ज़ाकर अल-बैत सैयद सजाद आदर शुमारी सैयदा जिक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद बयान फरमा रहे हैं। चंद एक ऐलानात हैं मजलिस से आज़ाद है अशराए मुहर्रम अल हराम इमाम बारगाह कसरे काज़मिया जिस और सैयदा रात थी 9 बजे जिसमें खता फरमाने वालों में ज़ाकर अल-बैत सैयद मोहम्मद सादिक शिराज़ी सैयद मोहम्मद सादिक शिराज़ी इमाम बारगाह कसरे काज़मिया जिस और सैयदा में अशराए मुहर्रम की मजालस रात थी 8:30 बजे और ठीक 7 बजे अशराए मुहर्रम अल हराम इमाम बारगाह कसरे अल हसनैन में भी ये पहली दफ़ा हो रहा है कसरे अल हसनैन में जिससे ज़ाकर अल बैत साहब का बनी इंशाल्लाह खिताब फरमाया करेंगे। दूसरे